से आराम से बिल्कुल सब दूर दूर बैठ जाए आराम से ताकि चलिए बोले कुंडल गुरु के बड़े बाबा की जय। प्रभु कहते हैं ध्यान लगा ऋषि ध्यान लगा ऋषि अनंतानंद खरों की निजा होती है। ये आदिनाथ भगवान आपने अपने आदिनाथ पुराण में और भी बहुत पावनी ग्रंथों में आया है कि ध्यान लगाने से व्यक्ति की अशुभ कर्मों की निजरा भी होती है, अंतराय कर्म भी टलते हैं और अनंतानंद कर्मों की निजरा भी होती है। कहते हैं कर्म काटने का 108 उपाय होते हैं, एक कर्म काटने के 108 उपायों में सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। अब ध्यान का मतलब होता है किसी भी एक टॉपिक को आप ले लीजिए और उसके बारे में चिंता मनन कीजिए। आज हम सब मिलकर समेत शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, सब लोग समेत शिखर जी की यात्रा करने के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, हाथ के ऊपर हाथ रख लेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, आंख को बंद कर लेंगे और आंख बंद करके जैसा जैसा मैं बोलूंगा सभी लोग वैसा श्रवण करके उस चीज के बारे में स्मरण करेंगे। बसंत कुछ से हम सब लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम परमराज परिवर्तन के बाद सब मिलकर समेत शिखर जी की यात्रा चलती है। सभी लोगों ने तैयारी की, सबने अपना अपना सामान रखा और फिर सब लोग ट्रेन में बैठे। ट्रेन में कुछ लोग कुछ डिब्बे में हैं, कुछ लोग कुछ डिब्बे में हैं। इस तरीके से हमारा एक डिब्बा पूरा बसंत में भरा हुआ है, सब खिलखिला रहे हैं, सब हंस रहे हैं, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई प्रभु के भजन गा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। इस तरीके से सब लोग ट्रेन में बैठते हुए भक्ति करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सब लोग ट्रेन में सफर करने के बाद सुबह 7 बजे पारसनाथ स्टेशन आ गया। पारसनाथ स्टेशन पर कल्पना करो, उस स्टेशन पर हम सब लोगों ने अपना सूटकेस बैग पूरा सामान उतारा और उतारने के बाद तीसरी से गाड़ी पकड़कर हम सब लोग शिखर जी की ओर चले गए। जैसे हम सब लोग शिखर जी की भूमि पर पहुंचे, सब लोगों ने जयकारा लगा दी, जय हो समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, जय हो शाश्वत क्षेत्र की, जय हो। कितना आनंद आ रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब ने जयकारा लगाई, कोठी ले ली, सब कमरों में रुके, रात में सब लोगों ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सब लोग सुबह उठे, सुबह उठकर सब लोगों ने नहा धोकर तैयार होकर सफेद कुर्ता और पैजामा पहने, महिलाओं ने पीली साड़ी पहनी और जो साड़ी नहीं पहन सकती उन्होंने सूट पहने और सिर पर चुन्नी ढककर। सोचो वो नजारा कैसा होगा, वो दृश्य। सब लोग गए और जाकर सबने समय शिखर जी का जो पहला गेट आता है
उस द्वीप पर हम सब लोग लकड़ी लेकर खड़े हो गए। खड़े होकर हम सब लोगों ने बोला, निश्चय निश्चय निश्चय, हे देवता, शिखर जी की इस भूमि पर जितने भी देवता विराजमान हो वो सब देवता यहाँ से हट जाए। आज हम शिखर जी की यात्रा करने के लिए आए हैं। हम शिखर जी की यात्रा करने के लिए चले गए चले गए। टक टक की आवाज आ रही है, टॉर्च को चालू कर देख रहे हैं जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है। और इस तरीके से हम सीधे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। बढ़ करके बीच में एक सीधा नाला आया, गंधक नाला। उस नाला पर इतना सुंदर झरना जैसा पानी बह रहा है, ठंडा ठंडा पानी किलकारी ले रहा है, मानो वह वृक्ष से बात कर रहा है। ऐसा उज्जवल निर्मल सफेद रंग का जल उस पत्थर के ऊपर से बह रहा है। और पत्थर के ऊपर से बहते बहते हम लोग आगे बढ़ गए। आगे आकर हम गौतम गर्जन की टॉप पर आ गए। जय हो जय हो जय हो। कैसे हम गौतम गर्जन की टॉप पर आए? और गौतम गर्जन की टॉप पर आकर हम सब लोगों ने अर्घ चढ़ाया, तीन प्रतिमा दी और परिक्रमा देकर हम सब लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर का हम स्मरण करेंगे। हर ट्रक पर हमें भगवान दिखाई देंगे। कल्पना करो, आदिनाथ भगवान की ट्रक, आदिनाथ भगवान की ट्रक, उस ट्रक पर हम सब खड़े हो गए। खड़े होकर हमने घंटी बजाई, घंटी बजाकर हमने तीन परिक्रमा दी। परिक्रमा देते समय हम सबने हाथ ऊपर किए, ऊपर करके प्रार्थना की कि हे भगवान, इस टॉक से जितने भी मुनिराज पहुंच गए हैं सब हमारा कल्याण करे और हम भी पहुंच जाए। और फिर हमने चंदन की डिब्बी खोली, 9 बिंदी चंदन की हमने शिखर जी की टॉप पर लगाई। हमने एक ध्वजा निकाला और ध्वजा उस टॉप पर लगाया और उस टॉप पर दरवाजे पर कलावा बांधकर पूरे परिवार के हमने नाम लिए कि यहाँ की शक्ति हम सबसे बढ़ जाए। और हमने हाथ जोड़कर आदिनाथ भगवान की सामने खड़े होकर चरण पादुका का कपड़े से परिमार्जन किया और सब लोगों ने माथे लगाया। और माथे लगाकर उस कपड़े को हमने एक डिब्बी के अंदर रख लिया। रखने के बाद हमने आदिनाथ से प्रार्थना की, आदिनाथ भगवान जी आई तेरे द्वार, हम सब का जीवन शुरू करो, कर दो भव से भार। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ये आदिनाथ भगवान, आज हमने आपके दर्शन किए, हम सबके राम देश कसाय को छोड़ करके आज से हमारा नया जीवन प्रारंभ कीजिए भगवान। और नमोस्तुते कर जयकारा लगाते हुए जय हो जय हो। जितने भी मुनिराज इस टॉक से पहुंच गए हैं सबको मेरा बारंबार नमोस्तु करते हुए फिर हम सबने भावना भाई, अजितनाथ भगवान जी सुन लो सब की पुकार, हम सब का जीवन विजय करो, सबसे जीत की प्राप्ति हो, कर दो भव से भार। विजय की भावना व्यक्त की, फिर सम्भवनाथ भगवान के तौर पर पहुंचे, उन्होंने सब कुछ किया। और फिर सम्भवनाथ जी से हमने प्रार्थना की परिक्रमा करते हुए, सम्भवनाथ भगवान जी
आई तेरे द्वार, सभी कार्य संभव करो, कर दो भव सेवा। पुनः अभिनंदन भगवान की ठोक ने श्री अभिनंदन भगवान जी आई तेरे द्वार, आनंदमय जीवन मिले, कर दो भव सेवा। सबको आनंद ही आनंद देने वाले अभिनंदन नाथ भगवान को नमस्कार किया। फिर आगे हम बढ़े, आगे बढ़कर आ गए श्री ऋषभ अधि संभव अभिनंदन सुमति नाथ भगवान। सुमति नाथ भगवान, हमने फिर पुनः सभी क्रियाओं को किया। क्रियाओं को करने के बाद फिर प्रार्थना की, सुमति नाथ भगवान जी आई तेरे द्वार, सबकी मति सुमति करो, विद्या का भंडार दो, कर दो भव सेवा। श्री कदम प्रभु भगवान जी आई तेरे द्वार, हसमुख सबका चेहरा हो, कर दो भव सेवा। परम प्रभु यानी कमल का चिन्ह, जिस प्रकार कमल खिलखिलाता है, हम भी हंसते रहे भगवान। कैसा कमल, कैसा कमल, ऐसा कमल जो भगवान के समोसरण में कुछ कर दी हो, कुंडल भर जीप में फल प्रॉक हो, इतना ठंडा पानी बह रहा है, जो 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 इस तरीके से ठंडा जल बह रहा है, और ठंडे जल बर्फ की तरह ठंडे जल के बीच में एक कमल है, और उस कमल में 1008 पंखुड़ी है, 1008 पंखुड़ी में लाल रंग का वो कमल है। कल्पना करो कितना सुंदर वो कमल होगा, और एक पंखुड़ी के ऊपर 7 करोड़ व्यक्ति भी खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा वो कमल जिसपे अनंत लक्ष्मी और देवी खड़ी होकर के नृत्य कर रही है। कल्पना करो कैसा होगा वो जल, कैसा होगा वो कमल जिस पर खड़ी है वो देवी, और कैसे नृत्य कर रही है, किस प्रकार से नृत्य कर रही है। ऐसा वह परम प्रभु का कमल, हंसता रहे सबका चेहरा, हमने भावना भरी। सीधी सुपाश नाथ भगवान जी सुन लो सब की पुकार, मन में शंका कभी न हो, कर दो भव सेवा। श्री चंद्र प्रभु भगवान जी आए तेरे द्वार, भूत प्रेत ना लग सके, कर दो भव सेवा। कहते चंदा को भगवान की टोक पर खड़े होकर के चारों तरफ नमस्तु कर भावना जरूर भाना चाहिए। हे चंदा को भगवान, आपकी टोक पर आने मात्र से साकनी ढाकनी हाकनी काकनी लाकनी पर व्यंतर देव सर्वता शरीर से निकल जाते हैं। कहते हैं परिवार का नाम लेकर अर्घ चढ़ाने से उस जीव की व्याधियां भी दूर हो जाती है। श्री पुष्पदंते भगवान जी आए तेरे द्वार, किसी के घर कभी रोग न हो, सबकी काया निरोगी हो, कर दो भव सेवा। कभी भी किसी के घर कोई रोग होता है तो पुष्पदंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, पुष्पदंत भगवान की माला करना चाहिए। पुष्प प्यारे फूल, फूलों की जैसी काया हो जाती है, कभी उस घर में रोग की परछाई भी नहीं आती। ऐसे पुष्पदंत भगवान श्री शीतल नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, सबका माइंड शीतल हो, शीतल मय सबका जीवन हो, कर दो भव सेवा।
हे भगवान, शीतलमयी जीवन प्राप्त होने वाले शीतल लाभ का स्मरण करने से कल्प वृक्ष की तरह जीवन शीतल होता है। श्रियाल से नाते भगवान जी आए तेरे वार, श्रेयवान जीवन बने कर दो भव से पार। श्री पाशु पूज भगवान जी सुनो सब की पुकार, पूज मई जीवन बने तो से बस कुछ भगवान को पूजने से जीवन पूजनीय होता है। ऐसे ही हम बन गए विमलनाथ भगवान की ओर, फिर से विमलनाथ भगवान की ठोकर, वहां हमने नौ बिंदी लगाई, कांता मम्मी ने नौ बिंदी लगाई और ध्वजा को हाथ में लेकर सुनीता दीदी ने मंगल ध्वजा को चढ़ाया और शीला मम्मी ने हाथ में लेकर धर्मार्जन का वस्त्र भगवान के चरणों का परिमार्जन किया और परिमार्जन करने के बाद चारों तरफ हाथ जोड़कर ये भावना फिर से आई कि हे भगवान, हम भी आपके मार्ग पर चले और हमारा भी कल्याण करो। ये भावना भाई श्री अर्चना दीदी ने और ये भावना भा करके हम सब प्रभु के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, विमल नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, नकारात्मक भाव न हो कर दो भव से पार। यदि नेगेटिविटी आती है तो विमलनाथ की माला करना चाहिए। इसी तरह अनंतनाथ भगवान के डॉक्टर गए, श्री अनंतनाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, अलम कर्म की निर्जरा करो कर दो भव से पार। हे भगवान, जैसे आपने अनंत चतुष्टय को पाया, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत बल को पाया, ऐसे हम भी अनंत कर्मों का नाश करके अनंतता को प्रकट करें। श्री धर्म नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, धर्म वृद्धि सब की करो भगवान के माता पिता बने, स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बने कर दो भव से पार। धर्मनाथ भगवान के सामने हमेशा यह धर्म की बात करना चाहिए जिससे हमारी धर्म की वृद्धि हो। हे भगवान, हम आगे बढ़े कुंतनाथ भगवान के बाद श्री धर्मनाथ, श्री शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान, आप शांति को देने वाले हो। यदि किसी के घर में विचार नहीं मिलते, घर में लड़ाइयां होती है, कहते शांतिनाथ का स्मरण करने से सबके परिणाम मिलने लगते हैं। शांतिनाथ की टॉप पर हम गए, हमारे शांतिनाथ भगवान के चरणों में हम खड़े हो गए। पूनम दीदी ने भगवान की टॉप पर ध्वजा चढ़ाया। कल्पना करो, पूनम दीदी के हाथ में ध्वजा है, भगवान को ध्वजा चढ़ाई और सुधा दीदी के हाथ में भगवान के परिमार्जन का वस्त्र है, उन्होंने शांतिनाथ के चरणों का परिमार्जन किया। कल्पना करो, धन्य है वो सुधा दीदी जिन्होंने परिमार्जन किया। आगे हम पढ़े, पंकज दीदी ने हाथ में कलावा लिया और कलावा से गांठ दरवाजे पर बांधी। हे देवता, जितने हो हमारे परिवार के लिए रक्षित हो जाओ भगवान। और चंदन की डिब्बी ली, वीणा दीदी ने चंदन की डिब्बी ली और वीणा दीदी ने चंदन की डिब्बी से नौ बिंदी बनाई, सुख वस्तु, समृद्धि वस्तु, कल्याण वस्तु, अभिवृद्धि वस्तु, नित्यानंद वस्तु, जय वस्तु, कांति वस्तु। ऐसी नौ बिंदी बनाने से इन सब की समृद्धि होती है और बस भगवान की परीक्षा कर शांति नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, परम शांति की प्राप्ति हो कर दो भव से पार। श्री कुंतनाथ भगवान जी आए तेरे द्वार,
पुनः अरेनाथ भगवान के पास गई। अरे नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, धन लक्ष्मी की कमी न हो, स्वामी के मंदिर सब बनवाए, शिखा जी की भूमि सही रस जड़े, कर दो अरेनाथ भगवान वसंत कुंज के सभी जीव सोने के मंदिरों का निर्माण करा गए, हीरे की प्रतिमा का दान करे, मंगल भावना भाई श्री मल्ली नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, मोहि मल सब दूर करो, कर दो भवशोभा। श्री मुनि शरभ भगवान जी आए तेरे द्वार, संत समागम सबको मिले, विद्या सागर का आशीष मिले, सब जन चौके में आहार दे, कर दो भवशोभा। भगवान मल्लीनाथ जी मुनीश्वरनाथ भगवान आपका स्मरण करने से संतों का समागम मिलता है, हम सब लोगों को विद्या सागर का आशीष मिले। कल्पना करो, कल्पना करो, हम सब वसंत कुंज के लोग बस में बैठे हैं और विद्या सागर जी के पास जा रहे हैं, विद्या सागर जी की जयकार लगाकर, और जैसे ही हम वहां पहुंचे और पहुंच करके हमने देखा कि हम क्या करें, आचार्य श्री के दर्शन हो, तो हम वसंत कुंज वालों ने वहां कमेटी से बात की, कमेटी ने कहा इतने बजे दर्शन होंगे, हम सब दरवाजे पर बैठ गए, साथ में पूरी समाज बैठ गई, बैठ करके हम इंतजार कर रहे हैं, हे गुरुवार आप कब दिखोगे। अचानक 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला, तो देखना वो दृश्य, विद्या सागर जी पीछे कमंडल लेके सिर नीचा किए हुए आ रहे हैं, हौले हौले बले बले, सबने देखा, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु किया। अब हमने सोचा क्यों ना हम आए हैं तो सब धोती दुपट्टा पहन ले और महाराज श्री का प्रणाम भी कर लेते हैं। हम सब लोगों ने धोती दुपट्टा पहनी, हम सब लोगों ने धोती दुपट्टा पहनी, और धोती दुपट्टा पहनने के बाद सबने पीली धोती, कोई ने सफेद धोती, महिलाओं और पुरुषों ने सब सुंदर वस्त्र धारण किए और हाथ में कलश, किसी ने कलश लिया, राजन पापा ने ध्वज लिया, किसने पापा ने कलश लिया, 3 श्रीपल अमरीश भैया ने लिए, 5 श्रीपल अमरीश भैया के साथ पूनम दीदी ने लिए, 2 श्रीफल पंकज दीदी ने लिए, हाथ में अष्टद्रव्य की थाली सुधा दीदी ने ली, जिनवानी माता सोनी की हाथ में श्री रेखा दीदी ने ली, और सुनीता दीदी ने हाथ में 5 अनार लिए लाल रंग के, और कांता मम्मी ने हाथ में 1 सोने की माला ले ली, और विद्या सागर के गुरु ज्ञान सागर जी की फोटो शीला मम्मी ने हाथ में ले ली। इस तरीके से हम पूरे वसंत कुंज के लोग, वसंत कुंज के लोग, प्रशांत भैया ने हीरे का कलश हाथ में लिया और नितिन भैया ने 1 चांदी का श्रीमल हाथ में लिया, इस तरीके से हम सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और खड़े होकर प्रणाम करने लगे, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। वहां तो 100 चौके लगे हुए थे, आचार्य श्री पूरे चौकसी, कल्पना करो, सब कल्पना करो, आचार्य श्री ग्राउंड लगा रहे हैं लेकिन प्रणाम कहीं नहीं हुआ, और जैसे ही हम लोगों के पास आते आते हमने बोला हे स्वामी नमोस्तु, 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 हे स्वामी नमोस्तु, ऐसे हमने भावना भाई है, और आचार्य श्री आए, साथ में हम पूरी समाज के आईसीजन जी, अजमेरा जी, अशोक पापा जी, सब लाइन से सफेद धोती पहनकर खड़े हुए थे, और एकदम से आचार्य श्री आए, हम सुनील भैया और सुनील जी, विशाल भैया, सब विपिन भैया, और हमारे संजीव भैया, संजय भैया, कल्पना करो, सब सफेद धोती पहनकर खड़े हैं,
और आचार्य श्री आए ईश्वरी नमोस्तु 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 विद्या सागर जी आए और वसंत कुंज के चौके में बैठ गए। हे भगवान हम सब लोगों ने लाइन लगाई से पूजा की और एक एक करके सब्जी आते गए और एक एक ग्रास महाराज जी को दिया। महाराज जी ने आहार लेकर बैठ गए और फिर आचार्य श्री ने सबको दोनों हाथ उठाया, पूरे वसंत कुंज को आशीर्वाद दिया और कहा सभी लोग की धर्म की वृद्धि हो। ऐसे ही श्रीनाथ का स्मरण करके गुरु के आहार भी दे दिए। विद्यासागर जी के आहार देकर उन्हें मुस्कुराया, हम सबको आशीष दिया। श्री नमी नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, सभी प्रश्न का जवाब दो कर दो भव से उभार। नमी नाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, वैराग्यमयी जीवन बनी कर दो भव से पार। साधी से मुख मोड़ कर चले गए गिरिनाथ, मुड़ कर ना देखा कभी हुए जगत से पार। श्री हर्षनाथ भगवान जी आए तेरे द्वार, चिंता भय सब दूर करो कर दो भव से पार। पारसनाथ की बोटो सोचो कितनी खड़ी सीढ़ी है, लाल लाल वो सीढ़ी है, दोनों साइड दीवार है, दीवार को पकड़ पकड़ के सीढ़ी के सहारे हम पारसनाथ की टॉप पर चढ़ गए। सब लोग जयकार लगा रहे हैं, जय हो प्रभु जय हो प्रभु, हम सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक एक व्यक्ति के हाथ में, सबके हाथ में झंडा है, सब ने झंडा लिया और पारसनाथ की टॉप पर झंडा चढ़ाया। और इस तरीके से अंत में भगवान महावीर स्वामी के पास गए। महावीर भगवान जी आए तेरे द्वार, प्रबल शक्ति सबको मिले आत्मविश्वास की कमी न हो कर दो भविष्य पार। इस प्रकार भगवान महावीर से 24 भगवान की तरफ पर गए। सब भगवान ने हमें आशीष दिया, सब हम सब ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, सब ने वैराग्य धारण किया, सब ने मुनि व्रत और आरिका को आने वाले समय में हम सब ने धारण किया, सब ने पीछे कमंडल ली और ऐसे ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करके हम सब ने अपना कल्याण कर लिया। और शून्य से कर जैसे शासन भूमि पर जाकर हम सब की अपनी टोंग बन गई, सब हमें नमस्तु करने लगे। इस प्रकार सभी लोग अपने दोनों हाथों को हथेलियों को एक दूसरी हथेली को रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों को इस तरीके से रगड़ेंगे, आंख कोई भी नहीं खोलेगा, धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते सब अपनी आंख पर आएंगे और आंख पे आकर दोनों हथेली को आंख पर लगाएंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे करेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोलेंगे। धीरे धीरे से खोलकर महसूस करेंगे मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जो मैंने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है, मैं भी समस्त में जाकर अपना कल्याण मैंने किया है। इस तरीके से सब अपने आंखों को खोल लेंगे और हाथ जोड़कर आदिनाथ की मुद्रा को देखेंगे। सब आदिनाथ को देखिए और एक बार जयकारा लगाएंगे, श्री आदिनाथ भगवान की चार बार
6, 5, 6, 1. 6 plus 5 plus 6 plus 1 is equal to 37. 2 or 7, 9. यानी कहने का मतलब दो का अंक अखंड है. आपने ऐसे अखंड पद को प्राप्त किया है तो मैं भी ऐसे अखंड पद को प्राप्त करके मोक्ष को चला जाऊं. ऐसी मैं विनती के माध्यम से आपको एक मैथमेटिक्स भी हो गया है ना, एक गणित भी बता दिया मैंने. अब इसका और भी याद है, 84 लाख लोगों में 84 लाख का गुणा कर दो तो भी नौ आएगा. 84 × 84 × 84 तीन बार करो तो भी 84 × 84 लाख बार करो तो भी नहीं. 84 × 84 × 84 एक करोड़ बार करो तो भी अंत में आएगा नौ. 84 लाख योनि भी अखंड है और भगवान का मोक्ष कभी भी अखंड है. ये है नौ और